बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में बताऊंगा इंग्लिश के इंपॉर्टेंट कुछ, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस आपने लाजमी याद करने हैं, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पैराग्राफ राइटिंग बताऊंगा, इंपॉर्टेंट डायलॉग्स बताऊंगा। 9th क्लास के स्टूडेंट, 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो पूरी मुकम्मल एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। जो पैराग्राफ राइटिंग में आपके जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा पैराग्राफ हैं, लेकिन मैं आपको टॉप 10 ऐसे पैराग्राफ बताऊंगा जो आपने अगर प्रिपेयर कर लिए तो इंशाल्लाह उन्हीं में से आपका 2019 का पेपर आएगा, और वो ही बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वो आप लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। ये पहले आपने प्रिपेयर करने, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा भी प्रिपेयर करें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी मैं आपको बताता हूँ वो आपने ज़रूर ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में कह रहे हैं कि सर और गैस पेपर्स के बारे में बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, तो आपको एक मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, होम होम के साथ BCPM साइंस चैनल ओपन करेंगे, होम वीडियोस और प्लेलिस्ट, ठीक है। वीडियोस पे आपने क्लिक करना है, आपके सामने और बहुत सारी वीडियोस इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये बेशुमार वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, ये आप ज़रूर देखें, इन वीडियोस से आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसमें मैंने तमाम गेस्ट पेपर अपलोड किए हुए हैं, 9th क्लास के भी और 10th क्लास के भी। डेट शीट के बारे में मैंने अनाउंसमेंट की हुई है, ये भी आप ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में मैंने अलग से फोल्डर बना रखे हैं, ये आपके सामने इस तरह के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। ये देखें, 9th क्लास पेपर स्कीम ऑल सब्जेक्ट 2019, ये ऑलरेडी 3 दिन हो गए हैं उससे मैंने ये अपलोड कर चुका हूँ ये सब कुछ। 9th क्लास ऑल इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर 2019 वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं 9th क्लास वालों के लिए। इस तरह 10th उर्दू मीडियम के गेस्ट पेपर के लिए अलहदा से कर रहा हूँ, 10th क्लास पेपर स्कीम ऑल सब्जेक्ट 2019 पेपर स्कीम भी अपलोड कर दिए 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, और 10th क्लास फिज़िक्स कंप्लीट कोर्स ये भी अभी मैंने अपलोड और मज़ीद इसमें कुछ वीडियोस करनी है। ये जितने भी आप देख सकते हैं 10th गेस्ट पेपर 2019, इसकी भी मैंने 19 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो आप एक दफ़ा जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, और जहां से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी। अभी मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ, आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। अगर आप न्यू हैं तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरा एक और पर्सनल चैनल है फ़ानू खान न्याजी के नाम से, अगर दिल माने तो इसे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैंने ऊपर लिखा हुआ है माई न्यू चैनल, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंशाल्लाह इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पैराग्राफ राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग देखें, माई स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके बाद अ विज़िट टू म्यूज़ियम, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अ विज़िट टू हॉस्पिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जितने पैराग्राफ मैं आपको स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, आपने करना क्या है, इनके मेन में, क्योंकि आप ये जो भी मटेरियल है ये आपको की बुक्स वगैरह से, ये इंग्लिश ग्रामर बुक से मिल जाएगा, लेकिन बात ये है कि आपको आइडिया हो कि यार करूँ कौन सा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही होते हैं कि यार एक गैस कोई बता दे, अच्छा बोर्ड से मैं कोई आइडिया हो जाए कि यार बोर्ड में ये पैराग्राफ आ सकते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आसानी होती है। वरना इतने ज़्यादा याद करना भी, आपके पास टाइम भी बहुत कम रह गया, तो इतने ज़्यादा याद करना किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 200 टू 250 वर्ड्स अगर आप एक पैराग्राफ के लिए करते हो, 20 पैराग्राफ करना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स। तो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने यही कर लिया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इंग्लिश एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश पेपर के लिए। ये हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। नेक्स्ट है एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और पास्ट पेपर्स में भी बार दफ़ा ये आ चुका है, तो ये भी आपने ज़रूर करना है। और रोड एक्सीडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बचपन से आप करते आ रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर इसे भी पढ़ लीजिएगा, रोड एक्सीडेंट पैराग्राफ। हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट, कि हम कैसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में आपने, अगर स्टूडेंट्स आपको ये वाले नोट्स चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा, अगर मैंने एक एक लाइन पढ़ना शुरू कर दी स्टूडेंट्स, आपको बताए फिर एक घंटे की वीडियो बन जाएगी, और आपके पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि एक एक घंटे की आप एक एक वीडियो देखें। इसलिए मैं बेसिक मेन कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि आप यार ये वाली वीडियोस प्रिपेयर कर लें, ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे हो जाएं, और आपका आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यार ये पैराग्राफ पेपर में आ सकते हैं, तो मैं ये अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, ताकि ऐसा ना हो कि पेपर में ये आए और आपने बिल्कुल इन्हें एक नज़र भी ना देखो। कम अज़ कम जो मैं आपको पैराग्राफ बता रहा हूँ, पैराग्राफ या आपने एक एक नज़र ज़रूर देख लें, और हो सके तो अच्छे से याद भी कर लें,
क्योंकि जब तक आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ पेपर में नहीं जाएंगे तब तक आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और वो याद कर रहे हैं, और दिसंबर टेस्ट में तकरीबन वही के वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखे हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया था वो वीडियोस में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, जो जो फोल्डर बताए हैं उधर से स्टूडेंट्स ने देखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम एक एक स्टूडेंट्स का कमेंट भी शो नहीं कर सकता, पहले वीडियोस में मैंने स्टूडेंट्स का कमेंट भी शो किए हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है आपकी वीडियो से। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए चैनल बनाया था कि आपकी हेल्प हो सके, और जितनी ज़्यादा हो सके मैं आपकी हेल्प के लिए इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। एडवांटेजेस ऑफ लाइब्रेरीज़, लाइब्रेरीज़ की क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये आपने बतानी है। और अ रेनी डे इन समर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये भी आप पढ़ लें। और एक लास्ट एंड पे आपने ये वाला स्टूडेंट्स ज़रूर करने, वैसे तो और भी काफ़ी सारे पैराग्राफ हैं लेकिन मैं आपको सेलेक्टिव वंस बता रहा हूँ ताकि आप ये प्रिपेयर कर लें ताकि इनसे आपकी प्रिपरेशन हो जाए। वैसे अगर मैं चाहूँ 50 बता दूँ लेकिन फ़ायदा नहीं है ना, 50 तो आपने करना ही नहीं है, आप वही करेंगे। आपको गेस्ट चाहिए कि यार ये मैं कर लूँ ताकि मैं पेपर में अच्छे नंबर ले लूँ। तो लाइफ इन अ बिग सिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स के बारे में, डायलॉग राइटिंग, ठीक है। डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान आपने डायलॉग लिखना है। डायलॉग लिखने का आपको तरीका पता है, ये जैसे टीचर फिर इस तरह आगे स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट्स, तो उनके दरमियान जो बातचीत हो रही है वो। नेक्स्ट डायलॉग है डायलॉग बिटवीन टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग प्रेयर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये पेपर्स में बार दफ़ा पूछा जाता है। और ये जितने भी बोर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, आप मुझसे पूछते हैं सर सिंध बोर्ड के लिए, पंजाब बोर्ड के लिए, तो स्टूडेंट्स ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह ये आपको आगे भी काम आएंगे। ये नहीं कि आपने सिर्फ 9th और 10th ही पढ़नी है, देखिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप अभी से इन्हें प्रिपेयर कर लें। आप जिस बोर्ड में भी, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया, ऑन कर लिया है तो देख रहे हैं, तो आप पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह इससे आपको इतनी ज़्यादा हेल्प होगी कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग अच्छी हो जाएगी। मेरी तो कोशिश यही होती है कि यार आप का जो एम है, गोल है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप वो बने। और वो कैसे बनेंगे, जब तक आपके 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तब तक आप उस गोल को अचीव करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप ज़रूर इन चीज़ों को माइंड में रखें कि हमने बेसिक अच्छी करनी है। डायलॉग बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर कंसर्निंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, ठीक है स्टूडेंट्स। डायलॉग बिटवीन अ टेलर एंड अ कस्टमर, ये लास्ट 2019 के एग्जाम्स में भी ये वाला डायलॉग आया था, और यही डायलॉग आपके आते हैं, आप मान लें इस बात को। पैराग्राफ राइटिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये मैंने कम से कम 5 या 6 आपको इम्पोर्टेंट डायलॉग्स बताए हैं, आपने इन डायलॉग्स को स्टूडेंट्स अच्छे से याद करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक टाइम से पहुँच सकें। और ये दूसरे वाले को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बताता हूँ आपकी रहनुमाई के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत दिल से और बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम, अल्लाह हाफिज़।